अस्सलाम वालेकुम, कैसे? तो आज की सुबह हो चुकी है, आज मिलाद था, वहाँ गए थे, तो अभी कपड़े नए पहन के पहला दिन है यहाँ वाक का, वाक पर चल दें इंशाल्लाह, तो फिर आगे देखें जो रूटीन होगी पहन ली तो तैयार हो गए, तो अभी चल सलाम दोस्तों, सलाम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने प्यारे से गाँव, इतने दिनों से मैं गाँव नहीं गई, और ये देखें सूरज कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पर जो कपास थी वो भी ख़त्म हो गई। अभी चलते हैं चौलिस्तानी बहनों के यहाँ। यहाँ पर उमर जा रहे हैं अभी जग देने, भूल गए थे बर्तन देना है, तो अभी लस्सी के लिए बर्तन छोड़ जाएंगे, वापसी पे लस्सी होगी। आज तो सुबह सुबह मौसम बहुत बहुत प्यारा है ना, हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं, उम्मीद है कि शायद बारिश आ जाए। तो यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो सर्दियों का जो मुझे मज़ा आता है ना, मक्खन ताज़ा, साग, चावल की रोटी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी साथ हो, तो ऐसी प्यारी सौगात, सब्जियां ताज़ी फ्रेश, अभी सीज़न हो रहा है शुरू, अपनी भी सब्जियों की बिजाई हम करेंगे, तो बस बहार ही बहार, फूल ही फूल, ऐसा खिला खिला सा समा यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि एक मंथ के अंदर अंदर। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप शहर क्यों नहीं जाते? अरे भाई, गांव में जो लाइफ है ना, उससे बढ़कर कोई लाइफ नहीं है, सही हो? तो आइए चलते हैं। और यहाँ पर हमें लस्सी जना वापसी पर मिलेगी, अभी बर्तन छोड़ के जा रहे हैं उमर और फारूक जना, दोनों लस्सी के बहुत ज़्यादा शौकीन। और यहाँ पर देखिए चावल वाला घास जना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ने जमा किया अपनी गायों के लिए। और ये देखें कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी, सारियाँ थी तीन चार दिन पहले, अभी सारियाँ बिल्कुल कट हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है मशीन जिससे सारियाँ कट होती हैं, बीच अलग हो जाती है और घास ना अलग। उस दिन मेरे हस्बैंड भी यहाँ से रेड़ी भर के लाए थे घास की, तो अब देखें हर चीज़ की सहूलियात आ चुकी है माशाल्लाह। सुबह सुबह गाँव का माहौल कितना प्यारा होता है, सामने ये देखें घास लेके जा भी रहे हैं। ये सारी छटकने जा रही है, और ये रात को खेतों को पानी लगाया था, और कारी साहब भी आ रहे हैं मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ये इनके आ गए हैं साथ हमसाए हमारे ज़मीन के, ये भी शहर में ही रहते हैं उधर नमकोट में, और ये सुबह सुबह अपने ये ट्राली वगैरह लेके आए, जैसे ही धूप निकलेगी तो इन लोगों ने भी गंदम की तैयारी करनी है और पानी लगाना है, रेज करना है, हमारे यहाँ बोलते हैं रेज करना है, उसके बाद जाना फिर गंदम की बिजाई होगी। तो यहाँ पर लौकी थे बहुत बड़े बड़े, अब तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, मैं कह रही हूँ अगर कोई मिल जाए ना, इसमें से चूहे निकाल के खा गए हैं बीज। अभी शबनम हो रही है ना, तो और लग रहे हैं लौकी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, देखें ये लगा हुआ है छोटे छोटे ना लग रहे हैं, ये बड़ा लगा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, उससे जो है ना थोड़ा सा बड़ा लगा हुआ है, काफ़ी सारे लगेंगे लेकिन काम के नहीं है अभी, इनका मौसम नहीं है, हम इस मौसम में हमें ना हरी तूरी अच्छी लगती है ना कुछ, पता नहीं, अब्बू मेरे कहते हैं कि मुझे ना हरी तूरी पसंद है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, शबनम पे फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं।
यहाँ पर मेरे कज़न ने जन अपनी ज़मीन जन उसके लिए बनवा ली है घास के लिए, इसमें उसने घास बीजना है अभी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लगता है ना यहाँ का। और वो देखिए हमारी ज़बान में इसको बोलते हैं बग, ये भी पंछी हैं, ये अपना चारा खाना वगैरह ढूंढ रहे हैं यहाँ से। रात को इन्होंने पानी लगाया था ना, रात को काफ़ी लेट आए मेरे हस्बैंड घर, क्योंकि रात को ट्यूबवेल चलाया था बिजली वाला, वो जो वहाँ से वो आता है ना वो वाला, क्योंकि दिन को फिर प्लेटों वाले ट्यूबवेल चल जाते हैं, जगह ही नहीं बचती, तो उन्हें रात को चलाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीछा जो है मुकम्मल हो चुका था रात को ही, और 2-3, 10-12 दिन इसको लगेंगे, फिर इसमें हल चलेंगे, हल के बाजन इसमें गंदम बिजाई करेंगे। और ये देखें यहाँ पर एक न्यू ट्यूबवेल लगाए, और मक्की देखें भुट्टे कैसे लगे हुए, पता नहीं इसके अंदर हैं भी सीखे नहीं, चेक करते हैं। जिसके बोलते हैं ना कि ये बाल जो है ना ये ऐसे उतर रहे हों या खुश्क हो गए हैं, तो उसके अंदर जो है ना दाने बने होते हैं। ये देखिए इसके अंदर बीमारी लगी हुई है। यहाँ पर ये मैंने तोड़ लिया है, तो अभी इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर दाने पके हैं या कच्चे हैं। और ये देखें माशाल्लाह ये रहा भुट्टा, और एकदम बराबर दाने हैं इसके माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत। घर लेके चलते हैं फिर इसको जो ना कोयले पे भून के खाएंगे। और ये वाले जो है ना इसका भी पीछा इन्होंने कर दिया है, ये भी हो गया। बस सब्ज़ी वाली जगह पे पानी नहीं लगा इसका, पता नहीं अंड तक हो जाए जहाँ तक, क्योंकि इसमें हमने बीजनी है गंदम, तो पता नहीं कितने दिन और लगेंगे इनको जो है ना सूखने में। फिर इसमें हल चलाएंगे, फिर इसमें गंदम बीजेंगे, फिर वो गंदम पकेगी, फिर हम लोग घर लेके जाएंगे, पूरा साल जो है ना हमने खाना है इसको। तो अल्लाह पाक ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कौन सी नेमत का शुक्रिया अदा करें। और ये देखें ये चावल हैं। अच्छा ये चावल मैं आपको कैसे दिखाऊं, अब ये भी मशीन आ गई, जैसे गंदम वाली मशीन है ना, गंदम निकालती है काटती है, लेकिन वो गंदम के जो दाने वो अलग कर देती है तो सिट्टे से। अब ये सारियों वाली मशीन है ना वो भी ऐसे ही है, नीचे से काटती जाती है, ऊपर से सारियाँ जो है ना दाने जो है ना अलग करती जाती है। तो आजकल यही बहुत मशहूर हुई पड़ी है कि भाई इससे जो है ना जो आदमी छटकने आते थे बेचारे, वो अपना घास भी बना लेते थे और मवेशियों को। अब जो भी इस तरह की मशीन लेके आ रहा है तो वो एक बंदे को घास सारे का सारा दे देता है कि आप ले जाओ यहाँ से। और ये रहा चावल, ये है चावल की फसल। मेरे हस्बैंड गए हैं बाइक लेने हमारी नई, वो इधर थी रात को, क्योंकि 2-3 दिन से जो है यहाँ पे एक आदमी सो रहा है, प्लेटें भी इधर ही हैं वो वाली साइड प्लेटों से, क्योंकि दिन को बादल होते हैं, आजकल ठंड हो गई है, तो ठंड की वजह से जो है ना सूरज की रोशनी भी कम है और बादल की वजह से सूरज इतने ज़्यादा नहीं निकलता। तो कितने दिनों से प्लेटों वाला बोर इधर है और उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक भी प्लेट चली गई तो 20-25 हज़ार की है, पता नहीं कितने की, 30-35 हज़ार की एक प्लेट है सोलर वाली, तो फिर हम लोग कहाँ से भरेंगे, एक प्लेट ही कोई ले गया। तो आजकल तो मौसम बहुत, हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो देखते हैं कितने दिन मज़ीद। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं 2-3 दिन और लगेंगे। तो रात को खाना देने जो आता ना लड़का, तो वो बाइक लेके इधर ही आ गया था, रात को न्यू बाइक इधर होती है और सुबह जो है मेरे हस्बैंड आते हैं वो ले जाते हैं। यहाँ से देखें शबनम का धुआं कैसे उड़ रहा है, इस साइड पे कुछ ज़्यादा ही शबनम है ना, पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन ऐसे। और आज भी बादल बने हुए हैं, पता नहीं आज भी हमारा ये पानी पूरा होता है कि नहीं, कितने दिन पता नहीं लगेंगे। और सर्दियों में यही होता है कि या फिर धुंध होती है या बादल होते हैं, बहुत ज़्यादा मसला पड़ जाता है, पानी का पीछा नहीं होता हमारा। वो जो भाई हमारी ज़मीनों को पानी लगा रहा है वो ये है, 2-3 दिन से इधर ही है बेचारा, रात दिन ना इधर है। ये रही हमारी बाइक, और ये चले गए मेरे कज़न के घर जो इधर है सामने, बिस्तर लगा हुआ है उन भाई का जो यहाँ पे रहते हैं। बाइक भी इधर ही है, लाइट भी इधर है, कूलर पंखा भी है, सॉरी पानी वाला कूलर भी इधर है। बाइक कैसे साइड पे लगाई हुई है पता नहीं, वो कब आएंगे, अभी मेरे हस्बैंड उधर चले गए हैं, मुझे लगता है उस भाई को समझा रहे होंगे कि जहाँ से पानी लगाना, आज पानी जो है ना पता नहीं कौन से खेत को इन्होंने लगाना है। और ये ट्यूबवेल कुछ देर से ही चलेगा। कहाँ चले गए थे आप? मैं ये बाइक की चाबी थी लड़के के पास, तो वो चाबी लेने गया था। चले अब चले, देर हो रही है। और उमर यहाँ पर वेट कर रहा था हमारा।
अपने भाई को समझाने। और ये देखें जैसे ही सूरज निकला है प्लेटों का रुख जाना सूरज की तरफ मोड़ दिया और भाई जन अभी से टुक्के वगैरह बना रहे हैं। और ये देखें टुबिल चलना स्टार्ट हो गया। और ये जा रहे हैं समझाने उन्हें। और ये देखें यहाँ से पानी कितना स्लो स्लो आ रहा है क्योंकि अभी तक फुल धूप नहीं निकली ना, तो ऐसा ऐसा पता नहीं कितने टाइम लगेगा इसको फुल होने में। को हमने छोड़ना है जो चावल वाला घास है वहाँ पे, वो बनाएगा और हम जाएंगे मेरे कज़न के घर। रही मिर्चें मिर्चें मिर्चें, आज मेरा दिल कर रहा है कि लाल मिर्चें तोड़ो। मुझे किसी ने कमेंट किया था जो मैंने चौलिस्तानी बहनों के चटनी खाई थी, तो वो ऐसी लाल मिर्चें होती हैं जो ये लाल मिर्चें होती हैं लगी है वो, ये लाल मिर्चें तोड़ के ना इसको कूट के अच्छी तरह से कूट के इसमें लहसुन भी डाल दें, फिर इसको ना घी डाल के भून लें। कूटी हुई चटनी आप खाएं ना हरी मिर्च की तो बहुत मज़े की बनती है, वो मैं भी अक्सर बनाती हूँ। लेकिन मुझे जो है ना ये मैं कूट के इसमें दही डालती हूँ ना, फिर वाइट और रेड जो है ना मिक्स होता है, तो इतनी मज़े की चटनी। और हाँ, आप ऐसी चटनी जब भी बनाएं जैसे हरी मिर्च हो गई, सिर्फ हरी मिर्च और उसमें दो तीन जैसे फलियाँ होगी लहसुन की वो डाल दें, लाल मिर्च भी आप कूट रहे तो उसमें दो तीन जो है ना फलियाँ आप लहसुन की डाल दें और दही शामिल करें, या फिर घी में आप भून रहे हैं तो भी उसमें डालें, अगर घी में नहीं भून रहे तो दही डाल रहे हैं तो उसमें आपने लेमन जो है ना ज़रूर डालना है। तो इन तीन चीज़ों से दही लेमन और हरी मिर्च इसकी चटनी आप बनाए, आप याद रखेंगे कि इतनी अच्छी चटनी। हमें तो जब भी वैसे तो हमारी अक्सर चाहे गोश्त भी बनाओ तब भी हम ना शौक से साथ में चटनी बनाते हैं। तो आप ये ट्राई करें, लाल मिर्च को कूट के उसमें दही डालें और नींबू डालें, सब्ज़ मिर्च होगी उसको कूट के साथ में लहसुन हो गया तो बहुत मज़े की चटनी बनेगी, आप याद करेंगे। और वो जो रेड वाली चटनी चौलिस्तानी बहनों के पास थी मैंने खाई थी, वो यही रेड मिर्चें थी इनको कूट के ना घोटने में जैसे वो कूटते हैं उसमें कूट के फिर उसमें ऑयल डाल के ना उसको भून लेते हैं तो वो खाते हैं, वो भी मज़े की लगती है। उससे जो मिर्चों की तेज़ी होती है ना घी में भूनने से वो कम हो जाती है, लेकिन उसका टेस्ट भी अपनी जगह पे होता है, बहुत मज़े का बनता है वो भी। ये समझा के आ रहे हैं नहीं नहीं कोई नहीं काटेगा। और यहाँ पर उमर ने बनानी है, बनाना है मवेशियों के लिए घास, सारियाँ छटकनी है। शुरू हो जा। माशाल्लाह ये देखें यहाँ पर मेरे कज़न का घास निकल भी है साग वाला, तो ये सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ से घास सॉरी साग तोड़ के ना आपको दिखाऊंगी। और वहाँ सामने जो है ना फूल कितने प्यारे खिले हुए हैं। सब चाय जो है यहाँ से, बहुत बड़ा इसका पौधा था तो मैंने कहा थोड़ी सी मुझे भी चाहिए, तो मेरे कज़न काट के दे रहे हैं। और ये एलोवेरा देखें इतनी सारी इन्होंने लगाई हुई है, ये देखें। तो बस अभी चलते हैं इस प्यारे से पौधे को और ये चीज़ें देखें, एलोवेरा कितनी ज़्यादा है यहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं इनका झुंड है एलोवेरा का। और यहाँ पर दरख्त था उसका अंजीर का, वो भी काट दिया इन्होंने, आम का पेड़ था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये बादाम का पेड़ है, ये मुझे बताया था कि बादाम का है, पता नहीं अब ये बादाम का या किस, इसके ऊपर से कैसे पौधे निकल रहे हैं पत्ते। और ये भी फूल है कोई, पता नहीं जब फूल लगते हैं तब पता चलता है कि ओए ओए कितने दिनों बाद आए हैं फार्म पर। मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती क्योंकि वो हमेशा मुझे गिफ्ट देते हैं, आज मैं फूल गिफ्ट करती हूँ उन्हें। देखें आज मैंने कहा मैं आपको गिफ्ट दूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यूँ ही आप इसकी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुमा आमीन आमीन। और आपने मुझे गिफ्ट किया और मैं यही गिफ्ट अपनी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया को जाके दूंगा दुआ को। तो इसके लिए मैं इसे अपने जेब में रख रहा हूँ ऐसे। चलें आ जाइए, देखें घास सब कुछ लेके आ रहे हैं, सब हम ही रहते हैं, खा के ना लोग इस्तेमाल करते हैं हम सब। आप नीम जैसे कावा बनाते हैं तो उसमें भी आप एक पत्ता डाल दें तो खुशबू की, खुशबू का भी काम नहीं है इसमें, इतना खुशबू है, लज्जत और लज्जत होती है। देखिए यहाँ पर जो ना मेरी भाभी जो ना ये बना रही है, कढ़ाई कर रही है, ये सेल करती है। एक बार पहले मैं वीडियो बनाई, मैंने कहा अगर कोई बनवाना चाहे तो। और ये गले का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, हमारे यहाँ ना ऐसे कपड़े बहुत पहनते हैं,
ये देखें। ये इस तरह हमारे यहाँ बोलते हैं छट्टा, ये छोटे छोटे जो है ना फूल डाल देते हैं आगे और पीछे का होता है, बैक साइड पे भी ऐसे छट्टा, ये देखें ऐसे। और ये जो है ना बाजू बाजू जो ना अभी उनका काम होना है, छट्टा जो ना पर लगेगा। और यहाँ पर जो है ना ये कह रहे हैं कि हमने मजदूरी, जैसे पहले मैंने एक बार पहले ही तकरीबन 6-7 माह हो गया वीडियो बनाई थी कि ये काम घर में करते हैं मजदूरी का। अगर किसी ने बनवाना है तो फारूक यासिन 9 पर इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता करें। और कलर भी बताएं, ये कपड़ा खुद लेंगे अच्छे वाला, और भी डिज़ाइन? हाँ, और भी डिज़ाइन है इनके पास, जो आप कहेंगे आपको ये बना कर देंगे। यहाँ पर जो है ना ये तकिया भी बना हुआ है, ये देखें, ये सुई पे काम हुआ है, कुरेशी और आर पे नहीं, सुई पे हुआ, ये घर के लिए बनाया। अरे मैं छोड़ के जा रहे कि आप चला गया हो तो मैंने लॉक करके इधर ही छोड़ दी, तो अब जाना किसी को भेजती हूँ, उमर को या किसी और को, वो ले जाएंगे। बाइक उधर छोड़ के ना, बाइक उधर ही है, तो मैं आगे उधर 40 तारीख बहनों के यहाँ अभी कॉल किया है, एक भाई को क्या है और बाइक लेके जाएं, वो बाइक ले जाएंगे। और मैं चलते चलते थक इधर जाती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर चलती हूँ घर। यहाँ पर लस्सी भी मिल गई, तो अभी लस्सी घर लेके जाऊँगी। जिन्हें मैंने कॉल की थी, जिस भाई के साथ मैं खानपुर जाती हूँ, उन्हें वो उम्र के जितना लड़का है हमारा हमसाया है, तो वो आ रहा है पैदल ना बेचारा, कितनी देर होगी मैंने कॉल की, चलता चलता ये आ गया, तो अब ये बाइक भी लेके घर चलेगा और मुझे भी ले जाएगा। आ गया तो अभी चलते हैं। रियो दुआ सिट्टे खा रही हो, रोई थी जब मैं गई थी, बहुत रोई थी। ऊपर देखो फादू भी आ गया इसके साथ खेलने। भाई चाय देखिए हमारी, हमने नाश्ता कर लिया है गाँव से आते ही, चाय चढ़ाई मैंने, चाय जो हमारी रेडी हो चुकी है। और अब्बू को चाय, अब्बू ने नाश्ता भी कर लिया और अभी जो ना पानी पियेंगे, उसके बाद जो ना चाय पी के फिर कहीं जाना है। अब्बू ने आ गए, अब्बू था मुनीर चाचू था, हाँ था बैठा था। अच्छा चावल साफ करने आपके लिए बैठा। अच्छा अच्छा चले, राजू आ जाओ। अभी नहीं आएगा, अभी इसको पता है कि मेरा खाना बन रहा है, तो उमर जनन के लिए खाना बना रहे हैं। कहाँ चढ़ी हुई है दुआ, इधर देखो, गिर जाओगी, नीचे उतरो, उतरो जल्दी नीचे। ईमान आप, ये दोनों सारा दिन ऐसे करती रहती है, ये गेट अब टूटेगा, तुम लोग गिर जाओगी ऐसे। चलो आ जाओ नीचे, इनके उसमें डल रहा है आटा और उमर दिखा रहा है डंडा, डंडा दिखाएगा तो ये जो है ना खुरली के करीब नहीं आएंगे। राजू तंग कर रहे हो, राजू अल्लाह हाफिज। और रुखसार जा रही अभी कुरान पाक पढ़ने, रुखसाना चली गई। और बाकी भी बच्चे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये अब्बू आए बुलाने। आज मैंने साथ में एक रहती है हमारी जानने वाली, उनको काम जब ज़्यादा तो बुला लेती है, अब्बू आए कि आ जाए सफाई करवा लें साथ मिलकर। चलें अब्बू, चलें चलें जा रहे अभी। हाँ खैरात है, मेरे जो मामू फोत हुए थे ना उनकी बरसी है, तो अभी अब्बू जा रहे उधर, तो मैंने कहा आप ख़त्म से, हाँ आप जल्दी आइएगा, तो मैं नहीं जा रही क्योंकि बच्चों को, हाँ 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 चल हाँ इधर ही हूँ, तो बस जल्दी जल्दी से काम निपटवाती हूँ उनके साथ। और जब मेरे हस्बैंड की रेसिपी बनानी हो ना, तो वो जो है ना मुझे ज़्यादा फिर वो पड़ जाता है। सुबह मेरे और मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी बातचीत में थोड़ा गुस्सा भी थे, फिर घर जैसे आई हूँ ना थकी हुई पैदल आई हूँ, तो ये भी इनको पता था कि मेरा भी गुस्सा बहुत ज़्यादा, तो ये भी आगे से खामोश रहे। बाद में कहा कि मैंने रेसिपी बनानी है, वीडियो बनाओगी? मैंने कहा चलो ठीक है बनवाती हूँ। ये भला गया।
आज ना हमारे गेस्ट आए थे चौलिस्तान से, सारे मामू अभी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर थी आज खरैत तो ख़त्म हो गया, तो अभी अबू भी आ गए, सब लोग गेस्ट आए थे हमारे घर तो अभी चले गए हैं वापस। अभी मैं भी जाती हूँ, गेट वेट बंद करती हूँ। फिर यहाँ पर जो है ना सफाई हमारी हो गई मुकम्मल, कलीन जो है ना निकाल दी है वहाँ, क्योंकि अभी कलर वलर भी होना है तो कलीन वैसे भी निकालनी थी, अब निकाल दी है। ये वाला रूम जो है ना कुछ इस तरह जो है ना सेट हुआ है, बस ऐसे रख दिया क्योंकि कलर वाले जैसे आएंगे ना सब कुछ जो है ना फिर निकालना पड़ेगा। आ गए अबू गाँव से, अभी कहाँ क्यों आ रही हो दुआ? मासी के घर नहीं जाएंगे, बस नवे कोट जाएंगे। एक को मैंने एकदम से न्यू बनवाया है, अबू लेकर गए थे गाँव खर्ची बिल्कुल। माशाल्लाह आज हमने बनाया आलू और अंडे, और दुआ मेरे साथ खाना खा रही है, और ये रही हमारी रोटी, रोटी बनाई है फौजिया ने, सालन बनाया मैंने। आज है ना पूरा दिन हमारे घर में थे गेस्ट, जिसकी वजह से दूध बिल्कुल नहीं बचा, तो अभी जो ना आया दूध वाला भाई उनसे लेते हैं दूध, ईमान जा रही है। तो मैंने कहा मैं अभी आपके साथ, जब हमारे पास दूध ख़त्म होता है तो इस वक्त दूध हमें और लेना पड़ता है, आज 4 किलो दूध था ख़त्म हो गया। जाओ ईमान ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दा? अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान का अबू पकड़ी तो अभी लिया है 2 किलो, क्योंकि अबू भी रात को जो ना आधा किलो अबू पीते हैं, और चाय भी बनती है तो चाय भी बनाएंगे, और फिर रात को जो है ना अभी तकरीबन 2:45 का टाइम है, और मेरा आज जो ना शदीद वाला सर दर्द है, शदीद वाला। और पूरा दिन घर में गेस्ट भी थे, अबू के घर की सफाई भी की, और जैसे ही घर आई हूँ नवा से तो इतना दर्द मेरे सर में, हल्का हल्का था मुझे, हल्का हल्का तो मुझे सिर से पहले स्टार्ट था, लेकिन मैंने कहा चलो अभी काम हो जाएगा, ये कर लूँ वो कर लूँ। बस गेस्ट आए थे उनके लिए चाय खाना बनाया, फिर वो चले गए, और मेरा जो ना वही पेन बढ़ता बढ़ता, तो इशा के नमाज के बाद फिर मैंने विर्द भी जो था सर दर्द वाला वो भी क्या नहीं आराम आ रहा था, तो मैंने कहा मेरे सर में जो ना फौजिया से कहा तेल डालो, तो उसने तेल भी डाला लेकिन फिर भी नहीं फायदा हुआ। फिर उमर ने कहा कि अम्मी मैं आपके सर की मालिश करूँ, तो उसने भी तेल लगाया, नहीं आराम मिला मुझे। हाँ ऐसे करते करते 10:30 बज गए, लेकिन बिल्कुल भी जैसे पेन कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो 1:30 का टाइम हो गया, कहीं भी नहीं जा रहा, ऐसे दर्द और जैसे सर फट जाएगा भी, पता नहीं क्यों। ये पहले भी मुझे होता था, लेकिन डबल पॉन्स्टान मैं खा लेती थी ना फौरन से आराम, लेकिन इतनी मैं आधी हो गई थी डबल पॉन्स्टान की बहुत ज़्यादा, जब तक वो मैं ना खाती मुझे नींद नहीं आती, तो मैंने वो छोड़ दी। तो आज फिर मुझे वही इतना शदीद वाला दर्द बहुत ज़्यादा, तो बस दुआ करें कि मेरा ये पेन जो ना मुझे कहीं से राहत मिले, बस दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से दिन और मैं कोई दवाई लूँ, क्योंकि फिर मुझे ना पेन किलर वाला इंजेक्शन लगाते हैं तब मुझे सुकून मिलता है, नहीं तो ऐसे नहीं मिलता। और ऊपर से अगर कोई मुझे टेंशन हो ना तो उससे तो कुछ और ही बढ़ जाता है। जैसे आज मेरे हस्बैंड ने रास्ते में मेरे साथ ना वो ऐसे मजाक मजाक में ही कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये मुझे छोड़ के चले आए, बाइक भी उधर मैं ही उधर, तो उसकी वजह से पता नहीं वो बात कहीं खड़ी हुई थी पता नहीं क्या। तो इतना शदीद वाला दर्द है ना अभी, और वो सुकून से सो रहे हैं, तो मैं बच्चों से उठ के ना इस साइड पे आ गई हूँ, ये वाला जो रूम है इसमें अब दुआ उठ गई है, ये सुकून से खराटे मार के सो रहे हैं, दूसरों की नींद बर्बाद करके हराम करके खुद कैसे सुकून से सोए हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ दुआ क्या हुआ हा? और लाइट भी नहीं है, सोलर वाला पंखा, क्या हो गया क्या हुआ? और तेल अभी भी मेरे पास पड़ा है, कितनी बार मैंने 3 बार तेल लगाया, ना नजर आऊं तो ये रोती है।